गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईबीएस के चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ईबीएस के चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। तो आपको पता है कि हमने क्वेश्चन आंसर कि हमें क्या करना है, हमें अपने होमवर्क में ये क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेडिंग को पढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिए हैं आपको उनके आंसर लिखने हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, वर्षा जल संचयन क्या होता है। तो बताइए, रेन वाटर इज कलेक्टेड इन बिग कंटेनर्स आर ड्रम और इन एन अंडरग्राउंड रिजर्वायर एंड देन दिस रेन वाटर इज फिल्टर्ड एंड इज यूज्ड लेटर, दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब क्या है, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है इन बिग कंटेनर्स, मतलब बड़े कंटेनर्स में, ड्रम में, और एक भूमिगत रिजर्वायर मतलब जलाशय में। तो जो बारिश का पानी होता है उसे बड़े बर्तन, बड़े कंटेनर्स या ड्रम या फिर भूमिगत जलाशय में इकट्ठा किया जाता है एंड देन दिस रेन वाटर इज फिल्टर्ड, और फिर इसे इस बारिश के पानी को फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, फिल्टर किया जाता है एंड इज यूज्ड लेटर, और फिर बाद में उपयोग किया जाता है एंड इज यूज्ड लेटर, लेटर मतलब उसे बाद में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। एक बार फिर से बोलिए, रेन वाटर इज कलेक्टेड इन बिग कंटेनर्स ड्रम्स और इन अ अंडरग्राउंड और इन एन अंडरग्राउंड रिजर्वायर एंड देन दिस रेन वाटर इज फिल्टर्ड एंड इज यूज्ड लेटर, दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको समझ में आया क्या होता है वर्षा जल संचयन? पहले हमको जो भी बारिश का पानी होता है उसे किसी भी कंटेनर, ड्रम्स, किसी में भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद उस बारिश के पानी को फिल्टर किया जाता है, उसके बाद में उसे उपयोग किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए, रेन वाटर इज कलेक्टेड इन अ बिग कंटेनर्स और ड्रम्स और इन एन अंडरग्राउंड रिजर्वायर एंड देन दिस रेन वाटर इज फिल्टर्ड एंड इज यूज्ड लेटर, दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन लर्न हुआ, चलिए तो अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वाटर साइकिल, मतलब जल चक्र क्या है या फिर जल चक्र क्या होता है। तो चलिए अब हम इसका आंसर याद करते हैं। तो व्हेन वाटर इज हीटेड बाय द सन रेजेस इट गोज इनटू द एयर बाय चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। ये हमारा पॉइंट्स में है, तो वन पॉइंट क्या है बच्चों, When water is heated by the sun rays, it goes into the air by changing into water vapor. मतलब जब पानी सूरज की किरणों से गर्म होता है और तब वह जलवाष्प बनकर हवा में चला जाता है। क्या होता है, जब पानी सूरज की गर्मी से, सूरज की किरणों से गर्म हो जाता है तब वह जलवाष्प बनकर हवा में चला जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, वेयर इट कूल्स डाउन एंड इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वेयर इट कूल्स डाउन एंड इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मतलब क्या हुआ, फिर वहां यह ठंडा होता है, एंड इट चेंज इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और पानी की छोटी बूंदों में बदल जाता है। समझ में आया क्या होता है, जब पानी सूरज की किरणों से गर्म होता है और तब वह क्या करता है,
जलवाष्प बनकर हवा में चला जाता है। उसके बाद वहां यह ठंडा होता है और पानी की छोटी बूंदों में बदल जाता है। चलिए अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? दीज टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, मतलब ये पानी की छोटी बूंदें, फॉर्म क्लाउड्स, बादल बनती हैं। ये पानी की छोटी बूंदें क्या बन जाती हैं? बादल बन जाती हैं। इन द क्लाउड्स, बादलों में टाइनी ड्रॉप्स ज्वाइन अप टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बनती हैं? बड़ी बूंदें बन जाती हैं। बादलों में छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बन जाती हैं बच्चों? बड़ी बूंदें बन जाती हैं। तो क्या हुआ, जब पानी सूरज की किरणों से गर्म होता है और यह जलवाष्प बनकर हवा में चला जाता है, फिर वहां पर यह ठंडा होता है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। फिर क्या होता है, ये छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं पानी की, वो किस में बदल जाती हैं? बादल बन जाती हैं। उसके बाद बादलों में ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों? एक बड़ी बूंदे बनाती हैं। चलिए उसके बाद फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है? दीज लार्ज ड्रॉप्स आर हैवी, ये बड़ी बूंदे कैसी होती हैं? हैवी होती हैं। सो दे फॉल ऑन अर्थ एज रेन, इसलिए क्या होता है, वे पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वॉटर साइकिल, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? जलचक्र कहलाती है। चलिए एक बार सारे पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड बाय द सन रेजेस, इट गोज इनटू द एयर बाय चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। सेकंड पॉइंट है हमारा, वेयर इट्स कूल डाउन, वेयर इट कूल्स डाउन एंड इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट क्या है? दीज टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म क्लाउड्स, इन द क्लाउड्स टाइनी ड्रॉप्स ज्वाइन अप टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स। फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है हमारा बच्चों? दीज लार्ज ड्रॉप्स आर हैवी सो दे फॉल ऑन अर्थ एज रेन। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है? तो बच्चों जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? What are the three forms of water? मतलब पानी के तीन रूप कौन कौन से हैं या क्या हैं? What are the three forms of water? पानी के तीन रूप क्या हैं? बताइए कौन कौन से होते हैं पानी के तीन रूप? Solid, liquid and gas are the three forms of water. Solid, liquid and gas are the three forms of water. मतलब पानी के तीन रूप ठोस, तरल और गैस हैं। क्या हुआ? ठोस, तरल और गैस पानी के तीन रूप हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? What are the three forms of water? Solid, liquid and gas are the three forms of water. मतलब पानी के तीन रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए? Solid, liquid and gas. ओके, तो आपको फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट क्वेश्चन लर्न हुआ, सेकंड क्वेश्चन लर्न हुआ और थर्ड क्वेश्चन लर्न हुआ। ओके, चलिए तो अब हम अपना फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? व्हाई इज वाटर प्रीसियस फॉर अस, व्हाई इज वाटर प्रीसियस फॉर अस, मतलब पानी हमारे लिए कीमती क्यों है, मतलब पानी जो है वो हमारे लिए कीमती क्यों है? तो पानी बताइए क्यों कीमती है? क्योंकि पानी एक बहुत कीमती संसाधन है और इसे और इसकी जरूरत हर सजीव वस्तु को होती है। ऐसा नहीं सिर्फ मुझको है या आपको, मतलब जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उन सबको पानी की जरूरत होती है और इसीलिए हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें इसे बचा कर रखना चाहिए क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है। ओके, चलिए तो अब लर्न करना स्टार्ट करें इसको। तो वाटर इज अ प्रीसियस रिसोर्स, पानी एक कीमती संसाधन है। बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, क्योंकि सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, विदाउट वाटर, पानी के बिना, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर और विदाउट वाटर, पानी के बिना, देयर वुड बी नो लाइफ, मतलब पृथ्वी पर पानी के बिना कोई भी
जीवित नहीं रह सकता है, मतलब पृथ्वी पर पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता है। समझ आया आपको? तो एक बार फिर से बोलिए, वॉटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वॉटर टू लिव ऑन अर्थ, विदाउट वॉटर देयर वुड बी नो लाइफ। एक बार फिर से बोलिए, वॉटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वॉटर टू लिव ऑन अर्थ, विदाउट वॉटर देयर वुड बी नो लाइफ। तो एक बार फिर से बोलिए, वॉटर इज प्रीशियस रिसोर्स बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वॉटर टू लिव ऑन अर्थ, विदाउट वॉटर देयर वुड बी नो लाइफ। मतलब पानी एक कीमती संसाधन है, क्योंकि सभी सजीव वस्तुओं को पानी की जरूरत होती है और हमें इसे ठीक से जमा करके रखना चाहिए। ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? और क्या पृथ्वी पर सभी सजीव वस्तुओं को पानी की जरूरत होती है, किसके लिए? जीवित रहने के लिए। पृथ्वी पर सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत हो सकती है और पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता है, पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता है। ओके, तो आपको क्या समझ में आया कि जो वाटर होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत प्रीसियस है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे पास पानी नहीं है तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों पानी का बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए और पानी को बचा कर रखना चाहिए, ठीक है? पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ आया आपको? चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बोलते हैं, इसका आंसर जो है उसे बोलते हैं। वॉटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वॉटर टू लिव ऑन अर्थ, विदाउट वॉटर देयर वुड बी नो लाइफ। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 लर्न हुआ। चलिए तो अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो बच्चों हमने EVS के चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मीनिंग है वो क्या है? रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। रिसोर्स संसाधन RESOURCE, रिसोर्स संसाधन, RESOURCE, रिसोर्स संसाधन। उसके बाद सेकंड मीनिंग क्या है? फैसिलिटी, FACILITY, फैसिलिटी मतलब सुविधा, FACILITY, फैसिलिटीज मतलब क्या हुआ बच्चों? सुविधा, फैसिलिटी सुविधा। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आपका थर्ड वर्ड मीनिंग है वो क्या है? रिजर्वॉयर। क्या है बच्चों? रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है? जलाशय, RESERVOIR, रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है? जलाशय, RESERVOIR, रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मतलब जलाशय। रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है बच्चों? जलाशय, RESERVOIR, रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब जलाशय। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है वॉटर साइकिल। क्या है फोर्थ नंबर पर? वॉटर साइकिल। तो वॉटर साइकिल को हम क्या बोलते हैं? जल चक्र, WATER, वॉटर CYCLE, वॉटर साइकिल जल चक्र। उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड मीनिंग है ड्रॉपलेट को हम बोलते हैं बूंदें। उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड मीनिंग है वो है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, RATIO, रेशियो अनुपात, RATIO, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों? अनुपात। उसके बाद जो हमारी सेवेंथ नंबर की वर्ड मीनिंग है वो क्या है बच्चों? वेपर। वेपर का मतलब होता है वाष्प।
VAPOUR वेपर वाष्प वेपर वाष्प VAPOUR वेपर वाष्प वेपर वाष्प वेपर वाष्प VAPOUR वेपर वाष्प। ठीक है, उसके बाद अगला मीनिंग क्या है हमारा, मूवमेंट गति, मूवमेंट गति MOVEMENT मूवमेंट मतलब क्या होता है, गति, मूवमेंट गति, मूवमेंट गति, मूवमेंट गति MOVEMENT मूवमेंट मतलब क्या होता है, गति। चलिए इसके बाद हमारा 9 नंबर का जो वर्ड मीनिंग है वो है मेजर, MAJOR मेजर, मेजर का मतलब क्या हुआ, मुख्य, MAJOR मेजर, मेजर का मतलब क्या हुआ बच्चों, मुख्य, मेजर मुख्य। चलिए उसके बाद हमारा जो 10 नंबर का वर्ड मीनिंग है वो है बताइए सरफेस, तो सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह, सरफेस सतह, सरफेस सतह, SURFACE सरफेस, सरफेस सतह, सरफेस सतह। तो बच्चों आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न हुए, चलिए तो एक बार हम वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग में फर्स्ट क्या था हमारा, रिसोर्स संसाधन, रिसोर्स संसाधन, फैसिलिटी सुविधा, फैसिलिटी सुविधा, रिजर्वायर जलाशय, रिजर्वायर जलाशय, वाटर साइकिल जल चक्र। इसके बाद अगला मीनिंग क्या है हमारा बच्चों, देखिए ड्रॉपलेट बूंदें, DROPLETS ड्रॉपलेट्स बूंदें, ड्रॉपलेट्स बूंदें। उसके बाद 6 नंबर पर है रेशियो अनुपात, रेशियो अनुपात। 7 नंबर पर हमारा जो वर्ड मीनिंग है वो है वेपर, वेपर मतलब वाष्प, वेपर मतलब क्या होता है, वाष्प। फिर अगला है मूवमेंट गति, मूवमेंट गति। 9 नंबर पर है मेजर मुख्य, मेजर मुख्य, मेजर मुख्य। 10th नंबर पर जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है सरफेस सतह, सरफेस सतह, सरफेस सतह। तो बच्चों आपको आज EBS के चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स लर्न हुए। ओके, तो आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको होमवर्क में EBS के चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स अपनी EBS की फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, समझ आई मेरी बात, और क्या करना है, और उनको याद भी करना है। कैसी राइटिंग में लिखना है, साफ और सुंदर राइटिंग में। आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको EBS के चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स अपनी EBS की फेयर नोटबुक में करने हैं, कैसी राइटिंग में, साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, चलिए गुड बाय।